हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 58 पे। अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स को देखा नहीं है तो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि पहले उन्हें देख लो, जिससे आगे की स्टोरी आपको और भी अच्छे से समझ में आए। क्या कह रहे हो, पहले सब देख चुके हो? तो चलो कोई बात नहीं, पिछले एपिसोड का रिकैप शुरू किया जाए। पिछले पार्ट की शुरुआत होती है उस सीन से जिसमे पॉइंट प्लंडरिंग कॉम्पिटिशन का थर्ड रैंकर, जिसका नाम लू ग्वांग होता है, वो चूहो के सामने अपीयर हुआ था। इसे देख के चूहो काइंड ऑफ डर जाता है। वो लू ग्वांग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू ग्वांग उसे बताता है कि वो यहाँ पे उसकी वजह से नहीं बल्कि जियांग की तलाश में आया है। दूसरी तरफ जियांग की टोली पहुंच गई थी थर्ड फ्लोर की गेट के सामने। एंट्रेंस पे साफ लिखा होता है कि सावधान रहो। पर ऐसा क्यों लिखा हुआ था? ये बात कुछ ही समय में साबित भी हो गई थी, क्योंकि जैसे जियांग थर्ड फ्लोर में एंटर करता है, सबसे पहले जियांग को जगह का हैवी घोस्टली ऑरा फील होता है। जब वो पीछे मुड़ के अपने दोनों साथियों से बात करने की कोशिश करता है, जियांग पता है कि उसके दोनों साथी गायब हो चुके हैं। तभी लोंग बताते हैं कि थर्ड फ्लोर के का एक पार्ट है, जब तुम इस एरिया से बाहर निकलोगे वो दोनों बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। फिर लोंगी जियान को एक जगह पे ले जाते हैं। ये जगह एक गुफा होती है। बस बात ये थी कि गुफा कोई आम गुफा नहीं बल्कि ये स्कोर फॉरेस्ट के सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस का पुराना रहने का ठिकाना थी। लेकिन लोंगी के हिसाब से अभी वो ओवरलोड यहाँ पे रह नहीं रहा है। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से इस गुफा के आसपास ज्यादा घोस्टली ऑरा मौजूद नहीं होता। जियान उस केव के अंदर एंटर कर जाता है। अंदर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। ये अजीब इसलिए होती क्योंकि जियान को मालूम नहीं पड़ता कि रोशनी कहां से रही है। जब उसे ऐसा लग ही रहा था कि वो यहाँ पे अकेला है, तभी एक आवाज उसके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये आवाज जियान को कन्वर्सेशन के लिए इनवाइट करती है। जब काफी हिचकिचाने के बाद जियान एग्री कर लेता है तो उसके सामने एक सिल्वर रोड फिगर अपीयर हुआ था। ये सिल्वर रोड मैन पूरे डायमेंशन को क्रॉस करके जियान के पास आया होता है और इसके लिए बहुत ही गजब लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये अपने नाम को शाओयू बताता है। मामला आगे बढ़ाता, शाओयू जियान को अपने रहने के ठिकाने पे ले जाता है। इस जगह पे काफी एम्पर चीफ मौजूद थी। शाओयू जियान को इसे ऑब्जर्व देता है। फिर शुरुआत होती है असली बातचीत की। लोंगी के हिसाब से शाओयू इस यूनिकॉर्न फॉरेस्ट का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस है। शाओयू जियान से कहता है कि तुम मुझे हाई लेवल के एल्केमिस्ट लग रहे हो, इस वजह से मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। जियान कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इनाम के बारे में क्या? शाओयू जियान को बताता है कि हाँ मुझे एक ट्रेजर याद आ रहा है, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उस ट्रेजर की रखवाली एक मेरे लेवल का एक्सपर्ट कर रहा है। ये सुनकर जियान काइंड ऑफ होपलेस हो गया था। लेकिन जियान को उम्मीद की किरण दिखाते हुए शाओयू कहता है, मेरे पास ट्रेजर को हासिल करने का एक तरीका है, लेकिन क्या तुम उस तरीके को अपनाना चाहोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। खैरी कौन सा तरीका है भाई, चलो उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। अभी जियान की आंखें फ्लिकर हो रही थी क्योंकि शाओयू ने कहा है कि एक रास्ता है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जब शाओयू जियान से कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो हिम्मत है कि तुम इस रास्ते के ऊपर चल पाओ, इसके जवाब में जियान कहता है, मैंने अभी अपने कदम पीछे कहां लिए हैं। अभी शाओयू की नजरें जियान के ऊपर फिक्स हो चुकी थी। शाओयू बताता है कि 10 दिनों के अंदर यिनमून इस यिनकॉर्स फॉरेस्ट के ऊपर आएगा और तब इस फॉरेस्ट की गोष्ठी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। मैं एक्शन उस समय पे ले रहा हूँ और तभी तुम्हें मौका भी मिलने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें पहली चेतावनी दे देता हूँ कि हो सकता है कि तुम्हारे ऐसे कई एक्सपर्ट्स उस ट्रेजर के पीछे आ रहे हो, इस वजह से तुम मुझे बाद में ब्लेम नहीं कर सकते हो। जियान खुद से कहता है 10 दिन, अभी इस कॉम्पिटिशन को खत्म होने में 14 दिन और बचे हुए थे, इसका मतलब उसके पास सफिशियंट टाइम है। वो फाइनली शाओयू की तरफ देख के नॉड करता है। ये सुनकर शाओयू स्माइल करके बोलता है, ठीक है तो मामला सेटल हो गया। जहाँ तक बात रही मेरे लिए पिल्स को रिफाइन करने की, तो उसके लिए मैं तुम्हें कंपटीशन के खत्म होने के बाद ढूंढूंगा। इस डील को डन करके जियान की आंखें एक्साइटमेंट की वजह से चमक रही होती है। अब शाओयू भी जियान को एक अप्रूवल के साथ देखता है। वो कहता है, गुड, भले ही तुम्हारी उम्र काफी कम हो लेकिन तुम्हारे पास एक वॉरियर की क्वालिटीज है। तुम पावरफुल एनिमीज को फेस कर सकते हो। भले ही तुम यंग हो लेकिन तुम्हारे पास दूर तक देखने की क्षमता है। बस तुम इस बात को याद रखना कि इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होने वाला। इस पे जियान स्माइल के साथ नोट करके बोलता है, सीनियर क्या आपने मेरे दो साथियों को देखा है? शाओयू कहते हैं, ऑफ कोर्स मैंने उन्हें देखा है, चिंता मत करो वो सुरक्षित है। एक बार तुम इस जगह से बाहर जाते हो तुम उनसे मिल पाओगे। जियान के दोनों कंपेनियंस के बारे में सोच के शाओयू एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारे दोनों कंपेनियंस काफी आउटस्टैंडिंग है। उनमें से एक एनाइटर है और दूसरा यिनयांग टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। दोनों ही फ्यूचर में काफी पावरफुल बनने वाले हैं, लेकिन तभी वो दोनों तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं। ये सुनकर जियान हंस के बोलता है, सीनियर आपको मेरी इस तरीके से तारीफ करने की जरूरत नहीं है, चाहे सामने खड़े इस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ की बात हो या फिर उसकी शार्प आई साइड। अब जियान दोनों को एडमायर करने लगा था। शाओयू कहता है, तुम इस तारीफ को डिजर्व करते हो, हकीकत तुम्हारे यहाँ तक पहुँच पाना ये तुम्हें उनसे आगे ले जाता है। शाओयू आगे बोलता है कि इस जगह में एंटर करने के बस दो रास्ते हैं, पहला तो फॉरबिडन बैरियर है और दूसरी है वो मिस्टीरियस लोकेशन जिसे सीक्रेट रियल्म कहा जाता है। शाओयू पूछता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सीक्रेट रियल्म के रास्ते से आए हो? इस बार जियान के चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल आती है। वो कहता है, सीनियर सच में आपको यहाँ का सब कुछ पता है? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं एक्सप्लेन करना
कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे उसी के ड्रेन के रास्ते से आया हूँ। ये कह के जैन थोड़ा हेस्टेट करने लगा था, लेकिन वो फाइनली मन बना के बोलता है, सीनियर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप उस सीक्रेट रियल के बारे में क्या क्या जानते हो, कि आप उसकी जानकारी मेरे साथ बांट सकते हो। इस जियान के सवाल को सुनकर शाओई की स्माइल काफी मिस्टीरियस हो जाती है। वो कहता है सीन कोर फॉरेस्ट की दो मिस्टीरियस लोकेशंस हैं, और तुम जो सीक्रेट रियल की बात कर रहे हो उन दो जगहों में से एक है। जब मैं पहली बार इस जगह पे आया था तो वो स्पेशल सीक्रेट रियल एग्जिस्ट करता था, भले शुरुआत में काफी समय तक मैंने उसमें लगातार एंटर करने की कोशिश करी हो, लेकिन मैं असफल रहा। ये पिछले कुछ समय की बात है जब मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके फोर्सफुली उसमें एंटर कर पाया हूँ। उस रियल में मेरा सामने एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी से हुआ। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो एक ड्रैगन सोल है। मैंने सोल को सबड्यू करने की कोशिश करी, लेकिन न जाने क्यों मैं असफल रहा। ये काफी सरप्राइजिंग बात है कि तुम उस रियल में एंटर कर पाए हो, और उससे भी ज्यादा पिक्यूलर चीज ये है कि मैं उस ड्रैगन सोल को तुम्हारी उस हैवी रूलर में सेंस कर पा रहा हूँ। ये सच में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात है। ये सुन के जियान की आंखें वाइड हो गई थी। उसने सोचा नहीं था कि शाओयू उसकी वेपन स्पिरिट को इतनी आसानी से पहचान लेगा। इंस्टिंक्टिवली उसके हाथ अपनी रूलर के पास पहुंच जाते हैं, उसके हैंडल को टाइटली पकड़ लेता है। जियान के रिएक्शन को नोटिस करके शाओयू कहता है डोंट वरी, क्योंकि उस ड्रैगन सोल ने तुम्हें चुना है तो मैं बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा। आखिरकार फेट ही एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है। शाओयू के ऐसे रिएक्शन को देख के जियान भी सरप्राइज हो गया था। जियान कहता है हाँ ये बात सच है कि वो ड्रैगन सोल मेरी हैवी रूलर के अंदर है। मुझे उस ड्रैगन सोल को इस रूलर के अंदर सील करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीनियर इसे आप एक ही बार में पहचान जाओगे। मैं अब सच में काफी इंप्रेस हो चुका हूँ। जियान की बात को सुनकर शाओयू हंसने लगता है। वो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब तुम्हारी कल्टिवेशन और भी आगे बढ़ेगी तब तुम्हें और भी कई चीजें मालूम पड़ने वाली है। मेरा तुमसे मिलना फेट की वजह से है। मैं तुम्हारे चेहरे से पढ़ पा रहा हूँ कि तुम डायमेंशन को क्रॉस करने के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हो। चलो मैं तुम्हें ऐसा करना सिखाता हूँ। आखिरकार किस्मत किसको कहाँ पे ले जाए ये किसी को नहीं पता। आखिरकार जैसे 10 दिनों में मैं उन मैटर्स को सेटल करता हूँ मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा, और अगर तब तुम्हारे पास स्पेस को शटल करने की टेक्निक्स नहीं होती है तो तुम इस जगह में खो सकते हो। इस वजह से इस टेक्निक को चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। शाओयू कुछ हैंड्स को चेंज करते हुए बोलता है ये मेरी यूनिक टेक्निक है, इसे मैं पिछले 2000 साल से कल्टिवेट करता आ रहा हूँ। इस टेक्निक के ऊपर इतना समय गुजारने के बाद भी मैं स्पेस को बिल्कुल फ्रीली क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। शाओयू की उंगलियां कई कॉम्प्लिकेटेड हैंड्स को बनाती है, इनमें से एक सिल्वरी लाइट बाहर आई थी। ये एक दूसरे मिलकर जियान के सर के चारों तरफ फैल जाती है। जब जियान अपने चारों तरफ की स्पेशल पैसेज को देखता है उसका एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो गया था। दिखी कॉन्टिनेंट में 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट स्पेस के ऊपर चल सकते हैं, वहीं पे 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट स्पेस को चीर के अंदर जा सकते हैं, और 2 शंक तो अपने स्पेशल रियल्स को भी बना सकते हैं। हाउएवर जियान नोटिस करता है कि शाओयू का इन स्पेशल पैसेज को क्रिएट करना काफी रिफाइंड है। नॉर्मली जब कोई स्पेशल पोर्टल्स को बनाता है उन स्पेशल पैसेजेस के अंदर हमेशा अनजान खतरे मौजूद होते हैं। उन वॉइड पोर्टल्स के अंदर की चीजें काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है, इस वजह से उन रास्तों का इस्तेमाल करना काफी रिस्की होता है। वहीं पे जिस पैसेज को शाओयू ने बनाया था वो काफी जेंटल एनर्जी को एमिट कर रहा होता है, और तो शाओयू की टेक्निक सिर्फ एक स्पेशल टनल को नहीं बना रही होती बल्कि ये स्पेस शटलिंग होती है। भले इन दोनों में एक शब्द का अंतर हो, ये अंतर बहुत बड़ा होता है। जब भी कोई स्पेशल चैनल का इस्तेमाल करता है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में समय लगता है। वहीं पे स्पेस शटलिंग अलग ही चीज होती है, जिसको भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना आता है वो एक ही पल में दूसरी जगह पे पहुंच सकता है। भले ही 2 जोन स्पेस को चीर सके लेकिन वैसा अपनी पावर का इस्तेमाल करके करते हैं, इस वजह से वो स्पेशल पोर्टल्स बिल्कुल स्थिर नहीं होते। वही भी एक स्पेशल शटल स्पेस में अपनी एनर्जी को मिला के बनाया गया होता है, इस वजह से इसमें सीमलेसली ट्रैवल किया जा सकता है। इस टेक्निक को एक्सपीरियंस करके जियान इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है क्या ही शानदार टेक्निक है, भले इसकी स्पेशल स्ट्रेंथ काफी पावरफुल हो चुकी हो वो तब भी शाओयू के हाथों की मूवमेंट्स को बिल्कुल प्रिसाइजली फॉलो नहीं कर पाता है। जब शाओयू ने एक टेक्निक को पूरा परफॉर्म कर दिया था वो अपने हाथ के सहारे से टेक्निक को बिखरा देता है। शाओयू जियान से पूछता है क्या ये तुम्हें समझ में आ गई है। ये सुनकर जियान तुरंत ही अपने सिर को हिलाता है। इस तरीके की टेक्निक को जियान ने पहली बार विटनेस किया था। ये टेक्निक उसे अपने बियॉन्ड लगती है। लगता है शाओयू के अंदर बिल्कुल धैर्य की कमी नहीं होती। वो अब भी उसी सेम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे ध्यान से देखो। वो इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करने लगा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। इस केव के अंदर शाओयू के हाथ लगातार हैंड्स को फॉर्म करते हैं। वो जियान के सामने कई स्पेशल पैसेजेस को बना के उन्हें एक इशारे से बिखरा दिया करता था। इस बार जियान का पूरा फोकस शाओयू के हाथों पे होता है। वो इस टेक्निक में इतना खो जाता है कि वो अपने वजूद को ही भूल गया था। नजारा कोई समय के बाद का दिखाया गया था। जियान की प्रोग्रेस को देखकर शाओयू स्माइल करके बोलता है हाँ जिस तरीके से तुम इस टेक्निक को एक दिन में मास्टर कर पाए हो मेरा तुम्हें सिखाना वेस्ट नहीं गया। जियान रिस्पेक्टफुल तरीके से बाव करके बोलता है सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन से कम के समय में जियान ने इस नई स्पेस ट्रेवलिंग टेक्निक को सीख लिया था। सिर्फ ये टेक्निक जियान की काफी बड़ी हेल्प होने वाली है। इसे रियलाइज करके जियान शाओयू की और भी रिस्पेक्ट करने लगता है। शाओयू कहता है अब क्योंकि तुम इस टेक्निक को सीख चुके हो तो मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन याद रखना अगर तुम ट्रायल्स को हासिल करना चाहते हो तो उस कुएं के पास जल्दी पहुंच जाना। हालांकि बातों ही
की बातों में मैं तुम्हें कई राज बता चुका हूँ, तभी बहुत सारी चीजें तुम्हें कुएं के पास जाके मालूम पड़ेंगी। इन शब्दों के साथ शाओयू का फिगर किसी धुएं की तरह हवा में मिल गया था। शाओयू को डिसअपीयर होते हुए देख जियान नॉड करता है। शाओयू को जाने के बाद लोंगी जो की जियान की हैवी ऑब्जर्वर के अंदर छिपे हुए होते हैं, वो पूछते हैं जियान क्या तुम पता लगा पाए कि वो कौन था। जियान अपना हेजिटेशन के कहता है ये वही कोर्स फॉरेस्ट का ओवरलॉड होगा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही है यिनमून सीरियस की। ये सुन के लोंगी सरप्राइज हो गए थे। वो कहते तो तुम उसे पहचान पाए। लोंगी अपने आप को इसलिए शो नहीं करते क्योंकि उनकी ओरिजिन पावर को जियान ने डिवोर कर लिया है। इस वजह से लोंगी काफी कमजोर हो चुके हैं। अपनी स्टेट में यिनमून सीरियस का सामना करना ये उनके लिए सुसाइड करने जैसा होता। लोंगी को ऐसी बातें करते हुए देख जियान हंस के बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता था और शायद को भी पता था कि तुम मेरी रूलर में छिपे हुए हो, उसने बस तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर वो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता तो क्या तुम सच में उसे बच पाने वाले थे? लगता है लोंगी को जियान की बातें पसंद नहीं आई। वो कहते हैं तुम्हें फोर्स दो दिन मृत्यु करवाने के लिए मैंने तुम्हें अपनी ब्लड फ्लेम दे दी है और अब तुम उल्टा मुझे ही मॉक कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं एक बार कौन था? लोंगी और कुछ ही बोलना चाहते थे लेकिन जियान बीच में उन्हें रोक लेता है। उसकी आंखें इस गुफा के कोने की तरफ देखती है। वो अपने दोनों हाथों को मिला के अपनी उंगलियों को काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव करने लगता है। जियान की उंगलियों के ऊपर सिल्वरी लाइट इकट्ठी होने लगी थी। अगली मोमेंट में जियान के हाथों से ऐसी लाइट शूट होती है जिसने इस पूरी केव को चमका दिया होता है। जियान के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है, एक मीटर वाइड पोर्टल होता है। अपने सामने सिल्वरी स्पेस शटल को बनते हुए देख जियान एक्साइटेड आवाज में कहता है सक्सेस। बिना हेजिटेशन के जियान एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होके उस स्पेस शटल में एंटर कर गया था। जैसे उसका फिगर गायब होता है ये पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। फिर से उस मिस्टीरियस केव के अंदर वो शांति वापस लौट आती है। दूसरी तरफ इस गुफा के बाहर म्यूफंग उसे कह रहा होता है जियान यूरू हमें थर्ड फ्लोर के सेंटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? मैंने सुना यिन कोर्स फॉरेस्ट के थर्ड लेवल पे बहुत ही पावरफुल क्रिएचर्स रहा करते हैं। इस यिन कोर्स फॉरेस्ट के ओवरलॉर्ड यिनमून सीरियस का भी यही ठिकाना है। उसकी स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग है और उसके बच के कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। ये कहते कहते म्यूफंग पीछे मुड़ा था, असल में वो किसी के रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट कर रहा होता है लेकिन उसे पीछे बस खाली स्पेस दिखाई दिया था। अपने आप को इस जगह पर अकेला पाके म्यूफंग थोड़ी तेज आवाज में बोलता है यूरू जियान। तभी म्यूफंग की बात पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब इस फॉरेस्ट का एरी एटमोसफेयर उसके कंधों पे काफी बोझ बनाने लगता है। वो अपने प्रोटेक्टिव द्विकी बैरियर को एक्टिवेट करके एकदम चौकन्ना हो जाता है। भले ही वो अपने साथियों को देख नहीं पा रहा हो लेकिन वो उन्हें सेंस कर पाता है। ऐसा लगता है एक अननोन फोर्स ने उसके दोनों साथियों को छिपा दिया है। चारों तरफ फैली डार्कनेस को म्यूफंग काफी नर्वसली देखता है। वो कुछ से बड़बड़ाते हुए बोलता है मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि हमारा सिल्वर मून सीरियस से सामना नहीं होगा। ये मामला चलता रहता है कुछ और सेकंड्स तक। फिर म्यूफंग को एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। बिना हेजिटेशन के वो उसके ऊपर हमला कर देता है। एक तेज क्रैशिंग साउंड के साथ म्यूफंग अपने आप को उसी जगह पे पाता है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। यूरू जियान से हंस के बोलती है देखो म्यूफंग भी वापस आ गया। म्यूफंग जो कि अंदर से हिला हुआ था वो तभी बड़ी बड़ी फैक्ट्री को बोलता है पता नहीं मेरा सामना किस तरीके की पावर से हुआ था, ऐसा लग रहा था मुझे किसी बैरियर ने पकड़ के रखा हो। अच्छी बात है कि मैं उससे आजाद हो पाया। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी लेकिन वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। वो जानता था कि म्यूफंग यूरू कुछ समय पहले तक एक बैरियर में फंसे हुए थे लेकिन वो खुद अपनी एबिलिटी से बाहर नहीं आ पाए हैं। इन दोनों को उस जगह से बाहर निकालने में जियान ने स्पेस शटल टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। इन दोनों ने जिस एन्चेंटमेंट यानी कि बैरियर का सामना किया था वो यिनमून सीरियस के द्वारा प्लेस किया गया होता है। इस वजह से दोनों चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हों उस बैरियर को तोड़ पाना इन दोनों के बस की बात नहीं होती। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद तीनों लोग फाइनली रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। जियान एक साफ जगह को ढूंढ के बीचोंबीच में एक आग जला लेता है। तीनों इसके पास बैठ के मेडिटेट करने लगे थे। ये तैयारी कर रहे होते उन चुनौतियों के लिए जिनसे काफी जल्दी इन तीनों का सामना होने वाला है। ये शांति कुछ और समय तक रही थी। फाइनली म्यूफंग कहते हैं जियान मैं सोच रहा था कि अगर हम सच में और कॉम्पिटिटर से बचना चाहते हैं तो हम इस फॉरेस्ट की गहराइयों में क्यों आ रहे हैं। ये थर्ड फ्लोर एक्सट्रीमली डेंजरस है स्पेशली जब इतने टेरिफाइंग क्रिएचर्स चारों तरफ घूम रहे हो। इस जगह का खतरा और बढ़ जाता है। इससे बढ़िया होता कि हम एक सुरक्षित सी जगह पे छिप जाते। ये सुन के जियान के चेहरे पे हेजिटेशन फ्लैश होने लगी थी। वो कहता है मुझे भी इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है लेकिन मुझे अंदर से न जाने की आवाज इस जंगल की गहराइयों में बुला रही है और तो इस कॉम्पिटिशन में एंटर करने का मेरा एक रीजन इस फॉरेस्ट से रिलेटेड है। जियान की बातों को सुन के म्यूफंग थोड़ा चौंक सा जाता है। ये इन कोर्स फॉरेस्ट पूरी तरह से घोंसले चीज से भरा हुआ है। वहीं पे जियान कह रहा है कि उसे एक आवाज बुला रही है वो भी इस खतरनाक सी जगह की गहराइयों में। ये चीज सच में उसके सोच के ऊपर की होती है। भले उसके दिमाग में कई डाउट जन्म ले चुके हों वो ये भी जानता था कि अब तक जियान ने उसकी कितनी ज्यादा हेल्प करी है। वो भी ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। इस वजह से म्यूफंग कहता है ठीक है अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, मुझे अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने का शौक नहीं है। म्यूफंग के चेहरे पे ऐसे झूठे कॉन्फिडेंस से भरे एक्सप्रेशन को देख के जियान और यूरू दोनों हंसने लगते हैं। तीनों के बीच में बातचीत कुछ और समय तक चलती रहती है। फिर जियान दोनों से बोलता है ठीक है हम आज रात यहाँ पे आराम करेंगे, अगर हम कल तेजी से आगे
करते हैं तो हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन हल्की सी चमचमाती हुई फ्लेम्स के चारों तरफ तीनों लोगों में कन्वर्सेशन चलती रहती है और कुछ इसी तरीके से रात भी निकल जाती है। बस बात कुछ ऐसी होती है कि जंगल इस तरीके का था कि नॉर्मली इसमें दिन या रात के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। चारों तरफ फैले उस घोस्टली ऑरे की वजह से समय के बारे में बताना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लोगों के लिए समय के बारे में जानने का बस एक ही तरीका होता है, वो अपने टोकन को देख के पता लगा पाते हैं कि कंपटीशन को खत्म होने में कितना समय बचा हुआ है। अपने टोकन को देख के यूरू कहती है अभी 13 दिन और रह गए। ये सुन के जियान नोड करके आगे बढ़ गया था। वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके लोंगी से पूछता है, लोंगी क्या तुम्हें सूखे हुए कुएं की एग्जैक्ट लोकेशन पता है? जब से वो सीक्रेट रियलम से बाहर आया होता है तब से गोल्डन ड्रैकिंग ज्यादा बात नहीं करते हैं। जियान को लगता है वो किसी जरूरी काम में लगे हुए होंगे, इस वजह से उन्हें डिस्टर्ब न करके वो लोंगी के ऊपर प्रेशर डालता है। लोंगी जियान से फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कहते हैं, क्या सिल्वर मून हेवली वोल्फ में तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया था? जियान कहता है, नहीं शाओयू ने मुझे क्लियर लोकेशन नहीं बताई। यहाँ पे जियान जानबूझ के लोंगी के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। शाओयू ने बस जियान को इतना बताया था कि कॉर्स फॉरेस्ट के 3rd फ्लोर पे जो वो सूखा हुआ कुआ है उसके अंदर ही वो ट्रेजर मौजूद है, लेकिन शाओयू ने उस ड्राइड वेल की जियान को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी। हार मान के लोंगी जियान को एक दिशा बताते है। जियान जो की काफी देर से आगे बढ़ रहा था उसकी स्प्रिचुअल स्ट्रेंथ अपने चारों तरफ के एरिया को अच्छे से स्कैन करती रहती है। कॉर्स फॉरेस्ट के 3rd फ्लोर के इलाके में जियान को पावरफुल प्रेजेंसेस महसूस होती है। इनमें से एक एग्जिस्टेंस बहुत ही हॉट सेंसेशन दे रहा था तो दूसरे का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसके अंदर एक अजीब सा ऑरा ही मौजूद था। अच्छी बात यह होती कि जियान इन सभी से काफी दूरी पे था, वो इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। मीफंग जिसने जियान के बदलते हुए हवाओं को नोटिस कर लिया था वो पूछते है, जियान क्या कोई दिक्कत है? इस पे जियान अपने सिर को हिलाता है, वो कहता है, नहीं मैं बस कुछ फैमिलियर ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ, बस मैं श्योर नहीं हूँ कि ये किसको बिलोंग करते हैं। छोड़ो उन्हें जाने दो, हमें सूखे कुएं के पास जल्दी पहुंचना होगा। तीनों ने साथ में नोड करके फिर से अपने आप को रे ऑफ लाइट्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इसी समय पे इस जंगल की दूसरी लोकेशन पे एक घोस्टली फिगर कहता है, डैम इट, ये यूकॉन के साथ जाने वाली वही घोस्टली स्पिरिट थी। इसके साथ होती रेड वैली की वैली मास्टर होंगी, भले इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ चाहे कितनी भी पावरफुल हो उन पावरफुल रिस्ट्रिक्शन से बाहर नहीं जा पाते। ये सब इस समय एक बहुत ही बड़े गेट के सामने खड़े होते हैं। इस दरवाजे की सतह को छूते हुए होंगी बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि बैरियर इतना स्ट्रांग होगा। जब उसकी उंगलियों ने उस दरवाजे को छुआ था होंगी की बॉडी में चिलिंग सेंसेशन फैल जाती है। साथ में सामने के दरवाजे में से एक ग्रे मिस्ट बाहर आई थी। ये ग्रे मिस्ट अपने अंदर टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी को दफना के रख रही होती है। इसे महसूस करके तीनों डर के मारे भीगे चले जाते हैं। जब तक इन तीनों के पैर इस दरवाजे से 10 मीटर की दूरी पे नहीं पहुंच गए थे तब तक वो ग्रे मिस्ट वापस दरवाजे में लौटती नहीं है। वो घोस्ट यूकॉन कहता है, ये दरवाजा बहुत ही अजीब है। उस दरवाजे को देख रही उस घोस्ट स्प्रेड की नजरें एकदम नफरत से भरी हुई होती है। वो कहता है, इस दरवाजे के उस तरफ ट्विन घोस्ट एम्पर की आधी बॉडी है, जैसे हम इस दरवाजे की उस तरफ जा पाते हैं लॉर्ड ट्विन घोस्ट एम्पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाएंगे। बात बस ऐसे ही होती है कि तीनों लोग साथ में मिलके भी इस दरवाजे के सामने बिल्कुल हताश थे। यूकॉन सुझाव देते हुए बोलता है, हमें 8 दिनों का और इंतजार करना होगा। जब यिन मून इस फॉरेस्ट के ऊपर आएगा तब इस यिन फॉरेस्ट की एनर्जी एकदम पीक पे चली जाएगी, उस समय हमारी पावर को भी एक बूस्ट मिलेगा, वही इस दरवाजे को तोड़ने का समय होगा। जस्ट ये तीनों जगह को छोड़ कर जाने वाले थे तभी इनके पीछे एक और प्रेजेंस अपीयर होती है। इसे होंगी ने तुरंत ही सेंस कर लिया था। बूम की आवाज के साथ उसका 6 स्टार धोदी का ऑरा उस फिगर के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है। होंगी कहती है, कौन है? इस जगह की शेडोज में से एक कमजोर सी आवाज बाहर आई थी, वो बस खांसते हुए बोलती है, मैं हूँ। उन परछाइयों में से उस क्लोड फिगर को बाहर आते हुए देख होंगी की आंखें शौक से भर गई होती है। वो कहती है, ट्विन घोस्ट एम्परर। ट्विन घोस्ट एम्परर की ऐसी घायल हालत को देख के वो घोस्ट स्पिरिट तुरंत ही उसके पास पहुंच गया था। वो अपनी हेल्थ की परवाह न करते हुए वो अपनी घोस्टी को ट्विन घोस्ट एम्परर के अंदर चैनल करने लगता है। वो घोस्ट स्पिरिट पूछता है, क्या हुआ? वो ट्विन घोस्ट एम्परर से बिल्कुल वफादार था क्योंकि एक बार ट्विन घोस्ट एम्परर ने उसकी जान बचाई होती है। तब से इस घोस्ट स्पिरिट ने मरते दम तक ट्विन घोस्ट एम्परर का साथ देने का फैसला लिया था। जब यूकॉन ट्विन घोस्ट एम्परर को इस तरीके से इंजर्ड देखता है उसकी आंखों में एक अलग ही लाइट फ्लेकर होती है। लगता है वो कुछ अलग ही प्लान कर रहा था। ट्विन घोस्ट एम्परर तेजी से खांसते हुए बोलता है, हॉन्गशन माउंटेन्स के अंदर हमारा ठिकाना इंसानों की नजरों में पड़ गया है। जॉन सेंटन के लोग हमारे प्लान के बारे में जान गए। जब मैं आखिरी 2 इंसानों को ऑब्जर्व कर रहा था तब कुछ एक्सपर्ट्स ने मिलकर मुझे सीरियसली इंजर्ड कर दिया। ट्विन घोस्ट एम्परर को सपोर्ट करने वाली वो घोस्ट स्पिरिट जिसका नाम चीमे होता है वो कहता है, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना ही होगा। लगता है ये बात यूकॉन को रास नहीं आई थी। वो कहते हैं, हम ऐसा नहीं करने वाले, अभी तक वो घोस्ट एनर्जी सारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर जगह नहीं बना पाई है, अगर हम प्लान में जल्दबाजी करते हैं तो हमें फेलियर का सामना करना होगा। चीमे गुस्से से भरी आवाज में कहता है, यूकॉन क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इसका रिप्लाई देते हुए यूकॉन कहता है, यहाँ पे मौजूद कोई भी प्लान को जल्दी स्टार्ट नहीं करने वाला। उसकी आवाज में विद्रोह की भावना झलक रही होती है। अगर अभी घोस्ट स्पिरिट एक इंसान होता तो वो यूकॉन की बातों को सुनकर एकदम आग बबूला हो चुका होता। वह यूकॉन से कहता है, चौस है। अभी यूकॉन के चारों तरफ भी घोस्टली एनर्जी घूमने लगी थी। यूकॉन कोल्ड स्नोर के साथ बोलते हैं, हम लगते हैं मौत का भय तुम्हें नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट में एक
टेरिफाइंग ऑरा जो कि इंसानों के 5-स्टार 2 एम्पर के बराबर उड़ता है वो युकान घोष की बॉडी से इरप्ट हुआ था। अचानक से इन ऑरों की वेव्स की वजह से वो घोष स्प्रिट एकदम चौंक गया होता है। उसने सोचा नहीं था कि युकान चुपचाप से ब्रेक थ्रू कर लेगा। जो वो रियलाइज करता है कि वो कितने खतरे में आ चुका है। घोष स्प्रिट कहता है युकान तुम एक्चुअली सीक्रेटली 5th रैंक पे पहुंच चुके हो। लगता है युकान ने काफी घोष्ट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपने आप को 4-स्टार 2 एम्पर से आगे बढ़ा लिया है। ये स्ट्रेंथ घोष स्प्रिट से भी ऊपर होती है। घोष स्प्रिट के एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस हो चुके होते हैं। कहीं होंगे युकान को सपोर्ट न करने लगे। इस वजह से वो होंगे को चेतावनी देते हुए बोलते हैं होंगे तुम्हें पता होना चाहिए कि एम्पर के खिलाफ जाने से तुम्हारा क्या होने वाला है। क्या तुम अपने लवर के बारे में भूल गई हो। ये सुन के होंगे हेस्टेट करने लगे थे। उसे समझ में नहीं आता कि वो किसे सपोर्ट करे। तभी युकान जो कि डार्क तरीके से हंस रहा होता है वो होंगे से प्रॉमिस करते हुए बोलता है होंगे तुम चिंता मत करो अगर तुम मुझे सक्सेसफुल होने में हेल्प करती हो तो मैं सिर्फ तुम्हारे लवर को ही नहीं बचाऊंगा बल्कि मैं तुम्हारी श्वांटिन को भी खत्म करने में हेल्प करूंगा। तब मेरे लिए उन्हें तबाह करना बिल्कुल आसान होगा। सिचुएशन को ऐसे चेंज होती होती घोष स्प्रिट अपने आप को ट्विन घोष्ट एम्पर के सामने पोजीशन करता है। वो कहता है घोष्ट एम्पर आप प्लीज यहां से चले जाओ मैं आपके लिए इन सभी को रोकता हूँ। अभी युकान घोष्ट एम्परर और घोष्ट स्प्रिट को इस तरीके से देख रहा होता है जैसे वो कोई लिविंग क्रिएचर नहीं बल्कि उसके पावरफुल बनने का रास्ता हो। इन्हें डिवोर करने से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। युकान एक लालच से भरी आवाज में कहता है आज तुम में से कोई यहाँ से नहीं जाने वाला। लगता है युकान के एक्शंस ने ट्विन घोष्ट एम्पर को काफी गुस्सा कर दिया था। ट्विन घोष्ट एम्पर खांसते हुए बोलता है युकान तुम्हारी मेरे सामने इस तरीके से बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई। नॉर्मली ट्विन घोष्ट एम्पर की प्रेजेंस में युकान की औकात किसी कुत्ते के बराबर भी नहीं होती। भले ही ट्विन घोष्ट एम्पर के पास अपनी आधी स्ट्रेंथ बची हो तभी वो 6-स्टार 2 एम्पर के लेवल के बराबर होता है। और जब उसके दोनों हाथ कंबाइंड हो जाएंगे तो ट्विन घोष्ट एम्पर की कल्टिवेशन उस लेवल तक चली जाएगी कि युकान जैसे घोष्ट ट्विन घोष्ट एम्पर के सामने अपने सिर को उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अफसोस की बात है कि चीजें अभी अलग होती हैं। ट्विन घोष्ट एम्पर के सिर से बाहर आने के बाद इंजर्ड होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ अपने 10वें हिस्से की रह गई है क्योंकि ट्विन घोष्ट एम्पर को अपनी आधे धड़ को हासिल करने की याद जल्दी थी। इस वजह से यहाँ पे बिना रिकवर हुए आ गया है। कमजोर हो चुके ट्विन घोष्ट एम्पर और उस घोष्ट स्प्रिट को घूरते हुए युकान कहता है होंगे एक्शन लो जो भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है वो तुम्हारा होगा। होंगे समझ जाती है कि युकान क्या करना चाहता है। वो घोष्ट स्प्रिट को होंगे के ऊपर छोड़ के खुद कमजोर हो चुके ट्विन घोष्ट एम्पर को संभालना चाहता है लेकिन होंगे के पास और कोई विकल्प नहीं बचता। वो कहती है ठीक है मैं इस घोष्ट स्प्रिट से डील करती हूँ तुम्हें घोष्ट एम्पर को संभालना होगा। ये कहने के बाद होंगे अपनी 6-स्टार 2D के ऑरे को लेके उस घोष्ट स्प्रिट के ऊपर टूट पड़ी थी। होंगे के फेरोशियस अटैक के सामने उस घोष्ट स्प्रिट की भी हालत खराब हो गई थी। बुदांती मिस के बोलते हैं डैम इट युकान तू इसे रिग्रेट करेगा। 6-स्टार 2 एम्पर की पावर को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अगर घोष्ट स्प्रिट अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट नहीं करता है तो वो होंगे के सामने लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। जिस तरीके से घोष्ट स्प्रिट के पास फाइट करते करते युकान के ऊपर चिल्लाने का भी समय बचा होता है युकान समझ जाता है कि होंगे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर वो चाहे तो उस घोष्ट स्प्रिट को एक ही बार में पूरी तरीके से सप्रेस कर सकती है लेकिन युकान को पता होता है कि यहाँ पे समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इस मामले को जल्दी फिनिश नहीं किया गया तो हो सकता है कि लोग उसे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए। जोन सेंटिन की एंशियंट लाइब्रेरीज में युकान को घोष्ट से डील करने का एक तरीका मिल गया था। अगर वो ट्विन घोष्ट एम्पर के कमजोर हो चुके सादे शरीर को डिवोर कर लेता है तो उसके पास वो पावर आ जाएगी जिससे वो बचे हुए ट्विन घोष्ट एम्पर का सामना कर पाएगा। नेक्स्ट मोमेंट में युकान की पूरी बॉडी को एक ब्लैक शेडो ने कवर कर लिया था। चीची की आवाज के साथ उस ब्लैक शेडो में से एक काले रंग की चेन बाहर आती है। ये अपने साथ एक सिनेस्टर एनर्जी को ला रही थी। युकान कहता है डाई चेन ट्विन घोष्ट एम्पर की तरफ आगे बढ़ गई थी। इस चीज को देख के ट्विन घोष्ट एम्पर भी सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है एक सोल चेन ये सोल चेन घोष्ट वर्ल्ड की एक यूनिक एबिलिटी होती है। इसे तभी कोई इस्तेमाल कर सकता है जब उसकी घोष्ट एनर्जी एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाए। सरप्राइज फील करने के बाद भी ट्विन घोष्ट एम्पर अपने आप को स्थिर रखता है। ऑल्दो सील को जल्दी तोड़ने की वजह से और वुजांग और हुडू से फाइट करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई हो वो तभी युकान के बराबर पावरफुल था। बस हैवी इंजरीज की वजह से उसकी घोष्टी काफी कमजोर होती है। इस वजह से युकान का सामना करने में परेशानी होगी। इस ब्लैक चेन को आगे बढ़ते हुए देख ट्विन घोष्ट एम्पर कोल्ड स्नॉर्ट करता है। उसकी घोष्टली बॉडी में से एक और मोटी सी चेन बाहर आई थी। ये क्लैंक की आवाज के साथ युकान की चेन से जाके टकरा जाती है। जहाँ पे युकान की ब्लैक चेन छोटी थी डेंस घोष्ट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की वजह से उसका स्टेमिना काफी हाई होता है। वहीं पे घोष्ट एम्पर की चेन बड़ी देखने पावरफुल लग रही हो लेकिन उसकी चोटों की वजह से वो सोल चेन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता। काफी जल्दी बैटल एक तरफा होने लगती है। ये क्लैंक क्लैंक की आवाजें कुछ और समय तक गूंजती रहती है। फाइनली युकान को मौका मिल जाता है। वो अपनी चेन को झटका देती हुई बोलता है शैटर। नेक्स्ट मोमेंट में ट्विन घोष्ट एम्पर की वो चेन फट जाती है। ये देखिए युकान काफी खुश हो गया था। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपनी चेन का इस्तेमाल करके ट्विन घोष्ट एम्पर को अपनी चेन से बांध लेता है। जब ट्विन घोष्ट एम्पर के स्ट्रगल करने के बाद भी वो खुद को इन चेन से छोड़ा नहीं पाता इसकी वजह से युकान के चेहरे की स्माइल और फैल गई थी। जब युकान अपनी चेन में एक डिवोरिंग पावर को भेजता है हम ट्विन घोष्ट एम्पर की क्लो को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखते हैं। जो चीज सामने आई थी वो काफी डरावनी होती है। होंगी जो कि घोष्ट स्प्रिट को रोके रख रही होती है ट्विन घोष्ट एम्पर
की ओरिजिनल फॉर्म को देख के इसका मुंह भी शॉक की वजह से खुला रह जाता है। ट्विन घोस्ट एम्पर का लेफ्ट साइड एकदम फ्लैश एंड ब्लड से बना हुआ था, वहीं पे सीधी तरफ बस एक ब्लैक गैस होती है। उसके शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह से गायब था। इसी मोमेंट पे होंगी को ट्विन घोस्ट एम्पर के अंदर एक फैमिलियर सी एनर्जी महसूस हुई थी। वो कहती है, रुको, ये ओरा के सोल क्लैन जैसा क्यों है? युकवन, जिसकी ग्रीड से भरी आंखें ट्विन घोस्ट एम्पर के ऊपर टिकी होती है, वो एक एंटिसिपेशन से भरी आवाज में कहता है, ही तो तुमने अपनी ट्रू फॉर्म दिखाई दी। लगता है युकवन की सोल चेन की वजह से ट्विन घोस्ट एम्पर और भी कमजोर हो गया था। वो और भी वॉलेंट तरीके से खांसते हुए बोलता है, युकवन, लगता है जब मैं सील था तो तुम काफी बिजी रहे होगे। घोस्ट एम्पर अपनी एनर्जी को काफी जल्दी डिप्लीट होती हुई सेंस करता है। युकवन कोल्ड आवाज में कहता है, मेरी सोल चेन का मजा चक्के तुम्हें कैसा लग रहा है? युकवन ट्विन घोस्ट एम्पर से पूछता है, क्या शेन याद है जिस मोमेंट में युकवन ने शेन के नाम को मेंशन किया था? ट्विन घोस्ट एम्पर की बॉडी एकदम ट्रेम्बल हो जाती है, उसकी आंखें एकदम डिसबिलीव से भर गई थी। वो एक पैनिक सी भरी आवाज में डिमांड करता है, ट्विन घोस्ट एम्पर कहता है, तुम कौन हो? अब तक इतनी खराब सिचुएशन में फंसने के बाद भी ट्विन घोस्ट एम्पर एकदम काम रहा था, लेकिन जैसे उसने इस नाम को सुना होता है वो अपने कंपोजर को तुरंत ही खो देता है। उसे सिचुएशन बिल्कुल समझ में नहीं आती। ट्विन घोस्ट एम्पर के आधे चेहरे पे से रिएक्शन को देख के युकवन की आंखें किलिंग इंटेंट से भर गई होती है। वो कहता है, तो तुम्हें वो चीजें याद है? क्यों शेन, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? आखिर तुम 100 साल पहले उस डाओशांग विलेज को कैसे भूल सकते हो? लगता है डाओशांग नाम के गाँव से युकवन का कोई गहरा रिश्ता था। वो हर एक शब्द को दांत ही मिस के बोल रहा होता है। अब ये तो मुझे भी पता नहीं कि दांत ही कैसे मिस रहा था, शायद घोस्ट क्रिएचर्स के भी दांत होते होंगे। युकवन को देख रही ट्विन घोस्ट एम्पर की आंख, जो कि अब तक डर से भर चुकी थी, अब उसमें हॉरर दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है वो डरावनी पुरानी यादें वापस आ रही हो। ट्विन घोस्ट एम्पर बोलता है, डाओशांग विलेज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, इन दोनों के पीछे की स्टोरी क्या है, हमें अब तक उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। अब क्या ये चीज नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर होने वाली है? वेल, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हम ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट से जियान भी इस मिस्ट्री में शामिल हो जाएगा। बेसिकली वो इस घोस्ट वेल में एंटर कर रहा होगा। क्या हमें उस घोस्ट वेल को भूतिया कुआ बोलना चाहिए? आप उसके बारे में कमेंट्स में लिख के बताओ। ऑफकोर्स, अगर आपके पास और भी अच्छे नाम हो तो उन्हें कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, मैं आपके कमेंट्स को रीड जरूर करूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारी ख्याल गार्डन फैमिली का पार्ट बन जाओ, जिससे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारी मेंबरशिप भी ओपन है। अगर आप अर्ली एक्सेस का फायदा उठा के एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप प्रोग्राम का जरूर हिस्सा बन सकते हो। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।